मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा। जस्ट लुक एट दिस लेक। तो कल उनका कॉल आया था मुझे और आपका भाई इंटरव्यू। वेल गाइस, गुड मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल बाइक व्यू। सो ये अभी मैं हूँ अहमदाबाद और अभी यह है थर्ड डे एक्चुअली संडे आज, और यहाँ से अभी भुज जाने के लिए निकला हूँ। तो ये मेरा कुछ होटल था आज, मतलब कल रात को ये होटल मिले और डॉर्मेटरी स्टे था, मतलब रूम नहीं लिया था मैंने, डॉर्म लिए थे, बेड मिला था एक और जस्ट 392 रुपीज़। सो काफ़ी बढ़िया था क्योंकि मैं वैसे भी दोस्त के घर रुका था तो इतना कुछ यहाँ पे यूज़ हुआ नहीं उसका, जस्ट सामान वगैरह रखने के लिए यूज़ किया मैंने। बट एनी वेज, तो अभी उठे हैं और इट्स ऑलमोस्ट 7:32 वगैरह हो गया होगा। तो यहाँ से अभी भुज जाएंगे आज और अपनी चाय वगैरह रेडी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है कल से, तो चाय बिस्किट और थोड़ा सामान अपना। तो यहाँ से कुछ 6 घंटे दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 322 किलोमीटर समथिंग है। तो भुज जाएंगे, वहाँ भी डॉर्मेटरी बुक किया हमने और आज कुछ ज़्यादा प्लान नहीं है, जस्ट भुज में जाके थोड़ा रेल सेटल होना है क्योंकि कल मेजर इवेंट अटेंड किया, काफ़ी मज़ा आया उसका। बाइक पे मैं बताता हूँ डिटेल्स अहमदाबाद में क्या क्या किया। तो अभी चलते चाय पीते और निकलते आगे। तो निकल चुके हैं हम लोग और ये कुछ सानंद सारखेज रोड पे अभी ज्वाइन होने वाला हूँ। 1:15 अपना रीचिंग टाइम दिखा रहा है। ओहो, यहाँ पे कुछ हो गया शायद, इसका बंद पड़ गया शायद ट्रक, और पीछे एकदम मस्त सनराइज़ हो रहा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पता नहीं, हमेशा मैं जिस साइड जा रहा होता हूँ उसके अपोजिट साइड ही सनराइज़ क्यों होता है, बट ठीक है। और अभी रोड का कंडीशन आई गेस ये थोड़ा कच्चा रास्ता है, बट यार कल जो मज़ा किया ना, मतलब अहमदाबाद बार बार आने जैसा सिटी है और रात को भी इतना मस्त मॉल होता है। कल हमारा कॉन्फ्रेंस था, बट एनी वे मतलब इतना घूमे हम लोग जब परसों रात, अभी आपने तो वीडियो देखा ही होगा वो लास्ट वाला। तो अगर किसी ने जो भी व्यूअर्स फर्स्ट वीडियो है जिनका मोटो स्कीडू का, मैं जस्ट बता दूं कि हम लोग अभी जा रहे हैं रन ऑफ कच्छ के और ये मुंबई टू अहमदाबाद फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, ज़रूर देख लीजिएगा, ये उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो अभी हम लोग अहमदाबाद से भुज जा रहे हैं। ओके, सो बैक टू टॉपिक। तो कल मतलब परसों एकदम मस्त हम लोग रिवर फ्रंट गए थे अहमदाबाद, फ़ोटो वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, काफ़ी मज़ा आया उधर। रात को भी मस्त माहौल होता है, मतलब वहाँ पे मैंने सुना कि बाइसिकल वगैरह भी मिलता है। हम लोग जब गए थे तब तो बंद हो चुका था, आई थिंक 8:30-9:30 बंद हो जाता वो, बट जो थोड़ा पार्ट खुला था वो हम लोग वहाँ पे ही रुके थे फिर। तो फिर वो किया और खाना खा, और रात को तो जो गए थे मानिक चौक, मतलब वो घोटाला डोसा का जो मैंने नाम सुना था ना भाई यूट्यूब पे और इंस्टा पे, ऐसे मुझे बहुत रिकमेंडेशन आते थे अहमदाबाद के मानिक चौक और वो घोटाला डोसा। और परसों हम लोगों ने ट्राई किया रात को, यार क्या स्वाद है उसका, मतलब मैं अगर अहमदाबाद रहता ना भाई मैं रोज़ जाता उधर रोज़। और रात को ऑलमोस्ट 2 बजे आए हम लोग घर पे, बट वो घोटाला डोसे का स्वाद तो अभी भी है यार। और यहाँ पे आसपास ऐसा कुछ भी ये नहीं है व्यू, सब प्लेन है और शायद ये खेती है पूरा लोगों का, लेकिन ये देखने में बहुत बढ़िया है। तो आज से अपने व्यूज़ चालू हो चुके हैं, एकदम मस्त वाले नज़ारे दिखाएंगे आपको, सनराइज सनसेट्स। आज का प्लान वैसा मेन तो ये था कि मतलब मुझे पता था इवेंट में थोड़ा थक ही जाऊँगा मैं, तो मैंने एक दिन स्पेयर रखा था भुज में कि जाके रेस्ट करेंगे वगैरह।
आई थिंक शाम को थोड़ा कहीं बाहर जा सकते हैं, मैं तो ये दोपहर तक पहुंच जाऊंगा, थोड़ा सो के भी उठा तो भी शाम अपना पूरा फ्री है। तो भुज में एक काफ़ी फेमस लेक है और लेक के पास ही हमारा जो स्टे भी है, तो मोस्टली हम स्टे लेक कर लेंगे आज शाम को ही। ये रोड तो एकदम ऐसा रेलवे ट्रैक के बाजू से ही जा रहा है, एकदम अलॉन्ग द रूट है, शायद यही रूट जाता है जो भुज और इसको कनेक्ट करता है। और यहाँ पे एक से काफ़ी प्लेन जगह है ना, मतलब महाराष्ट्र में तो अब तक 3-4 घाट हो चुके होते और ऑलमोस्ट कुछ 8-8:30 बजा है शायद, पर फिर भी मतलब ठंडी है। वो बाय द वे मैंने ग्लव्स अपने विंटर वाले पहन लिए क्योंकि परसों तो मैंने पूरा विदाउट ग्लव ही राइड किया 550 किलोमीटर, और जब रीपैकिंग कर रहा था मैं तो मैंने ग्लव्स निकाल लिया अपने विंटर वाले। और ठंडी है मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, जैसा आपको प्लेजेंट एनवायरनमेंट चाहिए राइडिंग के लिए या फिर कहीं घूमने के लिए विंटर्स में, वैसा है। मैंने तो अपना रेनवेयर भी पहन लिया है क्योंकि जब बाइक चलाते हो तो बहुत ठंडी हवा आती है। अरे यार बेचारी, और ये देखो क्या मस्त खेती है यहाँ पे। सो जस्ट अभी रुका था ऐसे ही, ये रोड काफ़ी अच्छा है, एकदम स्ट्रेट है और आसपास मतलब आजू बाजू में पूरा प्लेन ऐसा खेती है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखो ये रोड, ये यहाँ पे सूरज है अपना, ये पूरा खेती है मस्त। ये अपनी बाइक फुल्ली लोडेड, तो जस्ट यहाँ पे रुका हूँ और अभी भी ठंड लग रही है। मतलब मैंने जैसे ग्लव्स निकाले ना, मुझे महसूस हो रहा है कि यार ठंड है, तो विंटर ग्लव्स लाने का फ़ायदा हुआ है। यो गाइस, सी दी सीगल्स, साला इनको ड्रोन दे दो क्या, थोड़ा रिकॉर्ड करके भेजना नीचे फिर से। अरे ये तो डिवाइड हो गए। बाय द वे मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी एक्सपीरियंस आएगा। जो पिछले वॉक में आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे हमने एक इंटरव्यू दिया था, पेट्रोल पंप पे बैठ के इंटरव्यू, वो भी कंपनी अच्छी खासी है। तो कल उनका कॉल आया था मुझे जब मैं कॉन्फ्रेंस में था, और आपका भाई इंटरव्यू पास हो गया है। सो मुझे एक्साइटमेंट इस बात का नहीं है कि मैंने इंटरव्यू पास कर लिया, मुझे एक्साइटमेंट मुझे इस बात का है कि पेट्रोल पंप पे दिया हुआ इंटरव्यू पास हुआ है। तो अभी एक और सेकंड राउंड होगा, वो तो भुज में जाके ही कर लेंगे क्लियर, कल या फिर परसों तो भुज में होऊंगा मैं। तेरी यादें आती हैं, आके क्यों मेरे रे दिल को तनाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम, लॉन्ग ट्रेन इट इज यार, शिट यार ब्रो, ड्रोन होता ना अभी पक्का उड़ाता मैं ड्रोन। ये कुछ अलग ही एरिया लग रहा है एकदम से ही,
अब यही से वो रन वाली फीलिंग आ रही है। अब एकदम नजदीक से देख लो, अभी बचाओ, पहुंच गए बचाओ, भूज बचाओ। ओ हो 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 हो, राजवाड़ा, यार क्या मस्त है यार, ये क्या है, कुछ तो बन रहा है, ये नया होटल है इसमें भी। और ये भूज के अंदर एंट्री कर चुके हैं आई थिंक, ये स्वामीनारायण मंदिर। ओके, तो ये स्वामीनारायण मंदिर है, आना है यहीं पे कल माधा पर। सो इफ यू हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन, दिस इज वन रॉयल गेस्ट हाउस। और यहाँ पे डॉर्मेटरी बुक किया है, तो मैंने पहले चेकिंग तो कर लिया है पहले से ही, जो कैमरा भी चालू किया है यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए। पार्किंग है नहीं यहाँ पे, वो एक इशू है, बट डॉर्म्स अच्छे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो लगेज अनलोड कर दिया है भाई, और अभी जा रहा हूँ आपको रूम दिखाने। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट इम्प्रेशन में ही पसंद आया मुझे तो। और ये अपना रूम है, A1 डॉर्मेटरी, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। तो आज काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं आज से, क्योंकि एक्चुअल ट्रिप अपना स्टार्ट हुआ है और फुल भूज कच्छ एक्सप्लोर करेंगे आज से। 2 महीने से ट्रिप प्लान कर रहा था मैं, ये 2 महीने से क्या, एक्चुअली कच्छ तो बहुत, जब से बाइक लिया तब से कच्छ जाना ही था। तो ये है अपना अमीसा लेक, और वहाँ से जो बीच में दिख रहा है वो गार्डन है बीच में, तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे ऐसे घूम के। जस्ट लुक एट द व्यू यार, ये कितना शांत और सीनिक है ये लोग। तो अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं वहाँ पे, जहाँ से गार्डन का ये है, तो ये बिल्कुल आपको सेंटर तक लेके जाएगा हमेशा लुक के, और सेंटर में एक गार्डन टाइप का है। जस्ट अभी घूम के आया मैं, पूरा राउंड मारा, और इतने बर्ड्स हैं ना भाई, इतने बर्ड्स कि पूछो मत। मतलब ये देखो, जस्ट साइंस ही नहीं, एक देखते रह जाओगे इतना। अगर किसी भी पेड़ पे पत्थर वगैरह मारोगे ना, पूरा पेड़ उड़ जाएगा। देखो इतने बर्ड्स हैं यहाँ पे, और मैं बर्ड्स ही देखकर जा रहा हूँ। तो अच्छा है, काफ़ी बैठने के लिए वगैरह जगह है यहाँ पे, और गार्डन टाइप ही है ऑलमोस्ट। तो अभी इतने दिन के राइड के बाद फाइनली हम लोग भुज में है, और हमेशा लगता है वो भी, जब मैं प्लान कर रहा था तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज वीडियोस देखे मैंने इसके। तो अभी यहाँ पे एक्चुअल में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, और रिलैक्सिंग है, अच्छी प्लेस है, ज़रूर आना अगर भुज में आ रहे हो तो, शाम के टाइम आना इतना पक्का बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर है ना, फूड स्टॉल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, दाबेली वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस है खाने के लिए। तो शाम के बाद शायद मॉल होता होगा, अभी मैं एक्साइटेड हूँ कि रात में कैसा यहाँ पे कुछ लाइटिंग वगैरह होती है, या फिर ऐसा ही है रात को शायद बंद होता होगा, क्योंकि लाइट्स इतना दुख तो नहीं अभी तक तो नहीं लगाई। बट बर्ड्स काफ़ी है यहाँ पे एक्चुअल में, पूरा चर्पिंग आप सुन सकते हो वीडियो में भी साउंड। तो लेट्स सी, अभी बाहर जाते हैं थोड़ा खाना वगैरह ट्राई करते हैं, भूख भी लगे थोड़ी।
और कच्ची दाबेली खानी है मेन बात तो। तो निकलते बाहर अभी। बस सच बताऊँ आप, मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा। जस्ट लुक एट दिस लेक, मुझे वो जो गोल्डन कलर है ये पानी के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये पैदा का हमेशा नहीं है इसको, ये दूसरा है सप्पैडी तलाव करके, मतलब रोड क्रॉस ये जो ब्रिज है उसके बाजू में हमेशा रहे और यहाँ पे सप्पैडी है। और वहाँ पे डॉग्स भी कह रहे, पता नहीं कैमरा में शायद नहीं आ रहा है बाइक में, बट ये डॉग्स भी कह रहा है यहाँ पर कैमरा होता है सिर्फ क्या ही मजा आता है। तो जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, मतलब लेक पे ऐसे कलर्स और एकदम राइट प्लेस पे वो नारियल का पेड़ है उतने ही सेक्शन में, मतलब क्या कैप्चरिंग मोमेंट बनेगा यार ये, काफ़ी सही काफ़ी सही। और ये देखो एक फाइनल व्यू सनसेट का, क्योंकि इसके बाद पता नहीं अब ये फिर मौका कब मिलेगा मुझे। और मुझे इतनी भूख लगी है एक्चुअली बताऊँ तो, मुझे दाबेली खाने जाना है बट मैं यहाँ से हिल ही नहीं पा रहा हूँ। माहौल है यहाँ पे यार, सच में माहौल है, मैं दिख तो नहीं रहा हूँ यहाँ पे बट दिस इज़ क्लासिक। ओके सो वी आर बैक एट द होटल अगेन, और काफ़ी मज़ा आया यार, आपने तो देखा ही है क्या व्यू था, मैं उसको उभर नहीं पा रहा, मुझे फिर से लग रहा है यार फिर से सनसेट हो, फिर से 5:30 बजे और मैं फिर से निकलूँ, और इतना इतना मज़ा था। लेकिन आते आते इतना घबराहट हो रहा था मुझे क्योंकि सारे दुकान बंद है यहाँ के, पता नहीं क्यों आज संडे है, मे भी सब गुजराती घूमने गए बाहर और नो आइडिया, बट सारे दुकान बंद है और पूरा गली में अंधेरा अंधेरा सुनसान, सिर्फ एक दो लोग आ जा रहे हैं और पूरे कुत्ते हैं रास्ते पे, और मुझे एक तो बहुत डर लगता है कुत्तों से, तो बीच में तो मैंने मतलब रास्ता चेंज कर लिया कुत्ते देख के बट ठीक है पहुँचे ऑलमोस्ट 7:30-8 बज गए होंगे। ये था कुछ आज का दिन पूरा, अहमदाबाद से भूज आए हम लोग, अभी जो सनसेट देखा है तो काफ़ी होप्स बढ़ गए मेरे, अगर भूज में ऐसा सनसेट हो तो यार कच्छ में तो मतलब वेटिंग फॉर द सरप्राइजेस। मिलते हैं कल, जाएंगे भूज एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं एपिसोड, बाकी का जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में आपको भूज का पूरा प्लेसेस दिखाएंगे, खाने पीने का सब ऑप्शंस। सो मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड मोटो स्टूडियो एंड गुड नाइट।